हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अभी हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कॉस के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेंगे। वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसमें अभी हम लोग कहते हैं एक्स को जो आप वैल्यूज दे सकते हो वो -1 और 1 के बीच में रहेंगे। That will be the domain of this function. X को जो वैल्यूज अभी आप दे सकते हैं और इसमें जो रेंज यानी कि y जो रहेगा that can take any possible any value, बहुत सारी वैल्यूज ले सकता है। लेकिन अभी हम लोगों को जो वैल्यू -90 से +90 के बीच में है वो चाहिए पड़ेगी, and this will be termed as the principal value। ये याद रखना, y इक्वल टू साइन इनवर्स x में, नोट करते जाना पहली चीज। दूसरा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x में, x को जो अभी लोग वैल्यूज दे सकते हैं फिर से, दिस विल बी टर्म्ड एज द डोमेन। फिर x को जो वैल्यूज दे सकते हैं डोमेन, ये -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। जो वैल्यूज y की 0 से π के बीच में, अब यहां पर ये याद रखना, साइन के लिए अभी हम लोगों ने क्या बोला है -90 से +90, लेकिन कॉस के लिए कैसा दिया है 0 से π। दिस विल बी द प्रिंसिपल वैल्यू, इसको अभी हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। ठीक, अब इसके बाद तीसरा अभी हम लोग ले रहे हैं, टेन इनवर्स। इसमें एक्स यानी आप जो वैल्यूज दे सकते हैं, दिस कैन बी एनी रियल नंबर। आप टेन इनवर्स एक्स में एक्स को आप जो चाहें वो वैल्यूज दे सकते हैं, एनी रियल नंबर। लेकिन वाई जो है -90 से +90 के बीच में, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आई। अब इसमें याद रखना कि एक्स को अगर आप कुछ वैल्यू दोगे, एक्स को आप कुछ वैल्यू दोगे और y जो आंसर में इस चैप्टर में लाना है वो कोई एंगल आएगा, और एंगल तो बहुत सारे पॉसिबल है। लेकिन अभी हमने 1-1 बनाने के लिए, जैसे पिछली क्लासेस में डिस्कस किया, वी हैव कंसिडर्ड सम प्रिंसिपल वैल्यूज, और प्रिंसिपल वैल्यूज साइन और टेन की एक जैसी है, -90 से +90, कॉस की अलग है। बाकी sec, cosec और cot की भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इस पर बेस्ड अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। अब इसे फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 +2 sin inverse 1/2। ये क्वेश्चन नंबर 1 आज का। इसमें अभी हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, ये एक एंगल आएगा। कॉस के लिए ये एंगल किस किस के बीच में लाएगा, लाई करेगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 यानी कि ये एंगल आएगा। अभी हमें मालूम है 60 डिग्रीज पर भी 1/2 होता है और 300 पर भी 1/2 होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में
कॉस जो है पॉजिटिव होता है, तो कॉस 61/2 300 भी, फिर से फर्स्ट अगर आप ले लो तो 420 डिग्रीज। लेकिन हमें ये सारी वैल्यूज जो है नहीं चलेंगी, क्योंकि अभी हमने बोला 0 से 180 के बीच की वैल्यू। सो दिस विल बी व्हाट 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज यानी पाई बाई 3 प्लस 2 sin inverse 1/2। ऐसे ही sin inverse 1/2 कहाँ पर पॉसिबल है, किस किस एंगल के लिए साइन 1/2 पॉसिबल है, तो ये अभी हम लोग बता देंगे। भाई 30 डिग्रीज के लिए साइन पॉजिटिव जो है किस किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और सेकंड में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, 150, 390, ऐसी कुछ वैल्यूज है। लेकिन हमें ये सब नहीं चलेंगे, क्योंकि हमें जो साइन का आंसर चाहिए वो -90 से +90 के बीच में, तो सिर्फ 30 डिग्रीज। तो ये 2 × 30 डिग्रीज यानी पाई बाई 6, तो 2 × π/6 सॉल्व कर लो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, π/3 + π/3। नेक्स्ट ये आ जाएगा 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसलिए लेंगे ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए और आप यूज टू हो जाए। कॉस इनवर्स ऑफ हाफ -2 sin inverse of -half। अब देख रहे हैं इसमें अच्छे से, कॉस इनवर्स ऑफ हाफ अभी हम लोग ले ही चुके हैं। कॉस इनवर्स ऑफ हाफ कितना है, π/3। अब साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, माइनस अगर इधर है तो -30, क्योंकि साइन -30 लेने पर, साइन -30 कैसे लेते हैं, साइन का माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो ये -sin 30 यानी -1/2। तो हम लोग इसका क्या आंसर बोलेंगे, ये π/3 है, -2 × 1/2 यानी फिर से -30। सॉल्व कर लो इसको, तो ये सॉल्व करने पर कितना आएगा, ये 3 आएगा, तो ये आ जाएगा π/3 + π/3, आंसर इसका 2π/3। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 ऐसा कुछ ले लें। अब इसमें बताओ वैल्यूज, इसका आंसर कितना आ जाएगा, -π/6। ये तो अभी हम लोग निकाल चुके साइन इनवर्स ऑफ -1/2, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 कितना आया था, -π/6। कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2, कॉस नेगेटिव। अब ये जो कॉस इनवर्स का आंसर चाहिए, ये याद रखना, कॉस इनवर्स का जो आंसर चाहिए वो हमें 0 से π के बीच में और साइन इनवर्स एक्स का आंसर जो चाहिए था वो किस किस के बीच में, साइन इनवर्स एक्स का आंसर ये -90 से +90। तो जब भी कोई नेगेटिव वैल्यूज आएंगी साइन में, साइन में कोई नेगेटिव वैल्यूज आएंगी तो -90 से 0 के बीच में आ जाएगा आंसर। क्यों 0 और 90, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, -90 से +90, -90 से +90 के बीच में 0 आएगा। -90 से +90 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू लोगे तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, लेकिन 0 से 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव आएगा। अब यहां पर कॉस में आंसर हमें 0 से 180 के बीच में चाहिए। अब 0 से 180 के बीच में कॉस कहां पर पॉजिटिव है, यहां पर ऑल पॉजिटिव, यहां पर साइन पॉजिटिव,
साइन पॉजिटिव यानी कॉस नेगेटिव है, मतलब कॉस इनवर्स एक्स अगर नेगेटिव है, कॉस इनवर्स एक्स अगर नेगेटिव है तो आंसर इसका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये याद रखना। और नहीं भी याद रहे मान लीजिए तो आप ये सोचकर देखो कॉस नेगेटिव कहां कहां पर होता है, तो भैया कॉस नेगेटिव जो है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, कॉस विल बी नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब सेकंड और थर्ड में से हमें थर्ड वाला क्वाड्रेंट तो चलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमें आंसर इसका जीरो से पाई के बीच में चाहिए। तो अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये रूट थ्री बाई टू, कॉस एक्स की वैल्यू या सपोज कॉस थीटा की वैल्यू रूट थ्री बाई टू है। तो अब इसमें थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आएगी, लेकिन इसी वैल्यू को हमें नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लेना है। तो अब हम लोग बोलेंगे कॉस 180 माइनस थीटा विल बी माइनस कॉस थीटा, ये तो फॉर्मूला है, ये अपन बना भी सकते हैं, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलेज व्हिच यू डन इन 11th क्लास। थीटा की वैल्यू 30 रख दो तो ये कितना आ जाएगा कॉस 150, कॉस 150 इज माइनस कॉस 30, थीटा की वैल्यू 30 अगर दोनों तरफ रख दी तो ये कितना आ गया, ये पता चल गया। कितना आ जाएगा ये 2 into 150 degrees यानी 5π/6, 150 degrees यानी 5π/6। अब इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, माइनस पाई और 3 2s are, तो यहां पर 10π आ जाएगा, यह आ जाएगा 9π/6, 3 से कैंसिल होगा 3π/2, दिस इज द आंसर। एक अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग के लिए आप ये कुछ प्रॉब्लम्स ले सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, आज अभी हम कोशिश करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स अच्छे से ज्यादा से डिस्कस कर लें ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। साइन इनवर्स ऑफ रूट थ्री बाय टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री बाय टू प्लस कॉस इनवर्स ऑफ रूट थ्री बाय टू करने की कोशिश करो इसको जल्दी से। साइन इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री बाय टू, जब हम लोग बोलेंगे साइन 60 degrees रूट थ्री बाई टू होता है, लेकिन अगर माइनस में चाहिए तो आप एक काम करो, बस अब इसको एज अ रूल याद रख लेना, साइन में अगर नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो निकाल लो, मतलब पाई बाई थ्री, 60 degrees यानी पाई बाई थ्री, और माइनस साइन है तो ये माइनस आ गया। और कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू किसके लिए पॉसिबल है, कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू दिस इज पॉसिबल फॉर पाई बाई सिक्स, दिस विल बी व्हाट पाई बाई सिक्स। मतलब इनमें सभी में अब इसका नाम ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब आपको वैल्यूज देंगे और एंगल्स निकालने। अब मान लीजिए आपने 11th में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी तो भी आपके पास एक चांस है, वो सारी चीजें फिर से रिवाइज हो जाएंगी, लगभग सारी चीजें जो आपने 11th में की हुई थी या नहीं की हुई थी तो पढ़ लेंगे आप दोबारा। तो ये 30 डिग्रीज है, ये माइनस 60 है, तो आंसर कितना, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेना, जैसे कई लोगों को समय लगता है
तो आप इसके आगे का छोड़ सकते हैं, मतलब घर पर बाद में कंप्लीट करने के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट साइन इनवर्स कॉस अब इसमें देखो साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स रूट थ्री बाय टू साइन इनवर्स रूट थ्री बाय टू मतलब फिर से एंगल आंसर में आएगा। ये अब याद रखना इस चैप्टर में साइन इनवर्स यानी एंगल आएगा और साइन अगर लिखा है और साइन इनवर्स लिखा है तो दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए। इसमें साइन में जो आपको इनपुट देना पड़ेगा वो एंगल देना पड़ेगा, लेकिन यहां पर क्या होगा साइन इनवर्स में इसका जो आउटपुट है वो एंगल में आएगा, आउटपुट में एंगल आने वाला है। ठीक है तो ये देखो ये आपको अपने आप इसमें क्लियर हो जाएगा। अब साइन इनवर्स रूट थ्री बाय टू यानी कि कितना ये एंगल आएगा और ये एंगल 60 डिग्रीज आएगा। 60 क्यों आएगा क्योंकि साइन इनवर्स रूट थ्री बाय टू कैसा एंगल रहेगा, ये कैसा एंगल रहेगा जिसका साइन लेने पर रूट थ्री बाय टू आ जाए तो 60 डिग्री से। अब इसके बाद साइन इनवर्स कॉस 60 कॉस 60 की वाली अभी हमें मालूम है ये देखो ये एंगल आ गया कॉस 60 कॉस ऑफ 60 डिग्री यहां पर वैल्यू नहीं आएगी और कॉस ऑफ 60 यानी 1 बाय टू अब साइन इनवर्स 1 बाय टू यानी 30 डिग्री ये आंसर में आएंगे। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन साइन इनवर्स ऑफ टेन फाइव पाई बाय फोर टेन फाइव पाई बाय फोर में अगर आप देखें तो ये 5 पाई बाय 4 निकाल सकते हैं पाई की वैल्यू 180 डिग्री अगर किसी को पाई में कंफर्टेबल नहीं है 5 पाई बाय 4 पाई से बड़ा है। पाई से बड़ा क्योंकि 5 ऊपर बड़ा है 4 नीचे छोटा है तो ये 1 पॉइंट कुछ आएगा 1.25 पाई मतलब पाई से बड़ी वाली पाई से बड़ी वाली यानी सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा रहता है ये मालूम होना चाहिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन जो है नेगेटिव होगा यहां पर साइन पॉजिटिव होता है सॉरी ये सेकेंड नहीं है आई एम सॉरी ये थर्ड क्वाड्रेंट है ऑल साइन टेन। अरे ये हम बोलते भी जा रहे हो फिर बाद में गलत बोलती ये पाई से बड़ी वाली अभी हमने बोला है लेकिन हम सेकंड क्वाड्रेंट बोल रहे हैं पाई से बड़ी मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है तो इसको भी हम कैसा लिखेंगे टेन इनवर्स ऑफ सॉरी साइन इनवर्स ऑफ टेन पाई प्लस पाई बाय फोर ऐसा लिख सकते हैं। सॉल्व करके देख लो बेटा अब tan 180 प्लस थीटा tan 180 प्लस थीटा यानी tan थीटा आएगा यानी tan pi by 4 आएगा। अब tan pi by 4 कितना होता है tan pi by 4 यानी 1 है तो sin inverse of 1 यानी
आपको एक ऐसा एंगल बताना है जिसका साइन लेने पर बना है, तो वो एंगल कितना है? पाई बाई टू। सो द आंसर टू दिस विल बी पाई बाई टू। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन इनवर्स ऑफ रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट टू, ये देखो ये बहुत देखने में बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन किसी भी चीज से डरना नहीं। हम शुरू से एक ही चीज सिखाते हैं कि ऐसी कोई भी चीज है जो आपसे बनेगी नहीं। तो अब ये वैल्यू जो है कुछ नोन वैल्यू में होनी चाहिए ऐसा लगता है। साइन इनवर्स ऑफ ये कितना आ जाएगा? रूट थ्री अपॉन टू रूट टू। ऐसा लिख सकते हैं, रूट थ्री बाय टू इंटू वन बाय रूट टू। अब शायद कुछ दिमाग में आ रहा हो, क्या होगा इसमें? साइन इनवर्स ऑफ ये साइन 60, ये कॉस 45, ये साइन 45, ये कॉस 60। तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ? अगर आप देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये साइन इनवर्स साइन कैसा लिख सकते हैं इसको? साइन 60 प्लस 45। लिख सकते हैं, देखो जरा अच्छे से। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, अब चूंकि ये एंगल जो है किससे बड़ा है, ये वैल्यूज जो है 90 से बड़ी हो गई, तो ये तो 90 से बड़ी वैल्यूज अभी हमें चलेंगी नहीं। तो अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, देखो यही तरीका अभी हम लोग आपको सिखा रहे हैं कि आप इसको जो वैल्यूज जो आंसर्स आने वाले हैं वो किस किस के बीच में आने चाहिए, -90 से +90। तो साइन इनवर्स जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको -90 से +90। तो अब हमने क्या किया, इंटेंशनली आपको ऐसी वैल्यूज रखकर दिखाया कि आपको आंसर जो है हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज के अंदर नहीं आया, -90 से +90। तो मतलब अभी हम लोगों ने इसमें रखने में कुछ गड़बड़ करी। तो अब इसमें और क्या कर सकते हैं सोच कर देखो, आपने 45 को तो चेंज नहीं कर सकते, कॉस 45 और साइन 45 ये तो 1/√2 ही होते हैं, लेकिन रूट 3/2 की जगह अभी आप यहां पर क्या कॉस 30 ले सकते हो, ये कॉस 30 ले लिया और यहां पर ये 1/2 को साइन 30 ले लिया, और ये कॉस 30 ये साइन 45 ये साइन 30 और ये कॉस 45। देखो वैल्यूज, अब ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा, क्यों अच्छा रहेगा? साइन 45 वन बाय रूट टू, कॉस 30 रूट 3/2, कॉस 45 वन बाय रूट टू और साइन 30 वन बाय टू। तो वैल्यूज कितनी आ जाएंगी बेटा? ये वैल्यूज आ गई साइन इनवर्स साइन 30 प्लस 45। अब क्या है, हमने बोला साइन इनवर्स अगर आप ले रहे हो तो आंसर कैसा आना चाहिए, -90 से +90 के बीच में। तो आंसर अभी आप देखो 75 आने वाला है, 75 जैसा दिख रहा है। अब ये चीज जरूर आपको साइन इनवर्स ऑफ साइन
60 डिग्रीज अगर आप ले तो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन, ये क्या है इनवर्स फंक्शन और फंक्शन दोनों अगर आप ऑपरेट करोगे तो एक्स आ जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ये अपन ने उसमें पढ़ा है, एफ ओ एफ इनवर्स जो है एक्स के बराबर आएगा। मतलब अगर आपको ये चीज याद नहीं है या मालूम नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, साइन 60 की वैल्यू कितनी है बेटा √3/2 और साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स और √3/2 मतलब क्या आएगा, एक एंगल आएगा, और ये एंगल कितना आएगा जिसका साइन देने पर √3/2 आए। तो ये आप बहुत सारी जगह कर सकते हैं, जैसे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 60, तो ये कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स, कॉस 60 को अभी आप 1/2 लिखोगे और कॉस इनवर्स 1/2 यानी 60, तो ऐसा लगता है कि कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो गए, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गए, लेकिन ये कैंसिलेशन का काम जो है हमारी अच्छी वाली वैल्यूज के लिए, अच्छी वाली वैल्यूज जो मतलब हमने डिफाइन की हुए हैं इंटरवल्स, मतलब कॉस के लिए अच्छी वाली वैल्यूज क्या, 0 और पाई के बीच में, साइन के लिए ये जो अच्छी वाली वैल्यूज हैं जो हम ले सकते हैं वो -90 से +90, तो उनके लिए कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा, तो इधर भी क्या होगा साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होगा, तो आंसर इसका कितना 75 डिग्रीज आ जाएगा। तो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, हमने इसमें आपको एक यहां पर नया कॉन्सेप्ट भी बताया कि भाई आपने साइन इनवर्स अगर कुछ और वैल्यूज ली होती इसको कर कर देखना कि क्या गड़बड़ है, क्यों ये चीज नहीं चलेगी है। अब जैसे एग्जांपल अभी हमने दो आपको दे ही दिए हैं, साइन इनवर्स साइन 60, कॉस इनवर्स कॉस 60, तो अब आज अभी हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स लिए। अब एक प्रॉब्लम और ले ले रहे हैं लास्ट, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/√2। अब इसको सिंप्लीफाई करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सिंपल है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 यानी 30 डिग्रीज माइनस 2 साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स 1/√2 यानी 2 × π/4, तो कितना आ जाएगा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने पर ये कितना आ जाएगा π/6 -π/2 यानी 30 डिग्रीज -90 यानी 60 -60, तो -π/3 विल बी द आंसर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक नेक्स्ट टर्म।